हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में देखिए हम इस तरह का लहंगा बनाएंगे। ये लहंगा आप दुर्गा जी के लिए बना सकते हैं, राधा रानी के लिए बना सकते हैं, माता लक्ष्मी के लिए बना सकते हैं, सरस्वती माता के लिए बना सकते हैं। देखिए इस तरह का लहंगा किसी के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सिंपल तरीके से हमने ये डिज़ाइन बनाना बताया। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सी क्रोचेट ड्रेस। ये देखिए गाइस, लहंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये दो कलर में ऊन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने इस कलर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से हमें ऐसे करके एक नॉट लगानी है। देखिए हमने एक लूप बना ली इस तरह से, और इसमें से हमने इस तरह से इसे निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने जो क्रोशिया हुक ली है वो 2.5 mm में ली है। देखिए इसे हम क्या करेंगे, अपनी लूप में डालेंगे और यहाँ हमें चेन बनानी है। देखिए ये 1 2 3 4 5 इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ी सी लंबी चेन बनाएंगे। चलिए बनाती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल 33 चेन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे। और सबसे पहले रखें एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमने लपेट के अपनी तीसरी चेन में डाला, यहाँ से फंदे को निकाला। 3 फंदे हैं तो 2 फंदे को एक बार, फिर 2 फंदे को एक बार। ये देखिए हमने यहाँ पे पहली चेन में डबल क्रोशिया बनाई है, और एक हमने जो यहाँ पे चेन स्किप की है इसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर हम इस तरह से करेंगे और यहाँ अगली चेन में ये देखिए ये फिर इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह हमें यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। तो चलिए मैं यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपने वर्क को टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद यहाँ पे ये 1 और 2 हमने 2 चेन बनाई। अब 2 चेन बनाने के बाद देखिए फर्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे, फंदे को निकाला। 3 फंदे हैं तो 3 से 2 और 2 से हमने 1 कर दिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, ये हमने नेक्स्ट चेन में डाला। 3 फंदे हैं, 3 से 2 और 2 से 1 कर दिया। फिर हमने यहाँ अगली चेन में डाला, ये देखिए डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ फिर से हमें सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे इस तरह से एक चेन बनाने के बाद खींचेंगे, और खींचने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। हमारी नॉट आ गई और ये हमारा बॉर्डर बन गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें अपना, जहाँ से हमने इसे कट किया है, यहाँ से हमने देखें इसे कट किया है, तो यहीं से हम अपना अब येलो कलर लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना येलो कलर वाला ऊन लिया है, इसे हम देखें यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ये हमने यहाँ ऐसे करके इसे लगाया, और यहाँ पे हमें 1 2 3 हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है यहाँ चेन में हमें डाल के नहीं बनाना है। जो हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाई है इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। यहाँ से देखिए हमने इस तरह से फंदे को निकाला, निकालने के बाद इसे हम थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे। देखिए हल्का सा हमें ऐसे लंबा करना है। फिर हम यहाँ पे ऐसे करके ये डबल क्रोशिया बुन देंगे। ये हमारा हो गया। फिर देखिए हमने सेम तरीके से करना है, ये हमने ऐसे किया। और फिर यहाँ अगली चेन में हम यहाँ से डालेंगे ऐसे करके। ये हमने यहाँ से ऐसे फंदे को निकाला, निकालने के बाद हल्का सा खींच के लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद यहाँ पे हमने इसे इस तरह से बुन दिया। ये देखें ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पे ये जो इसके बाद वाली चेन है इसी चेन में हम इस तरह से ये डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। फिर हमें यहाँ एक चेन बना लेनी है, और एक चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें सेम चीज़ करनी है। ये ऐसे करेंगे और यहाँ अगली चेन में हमें फिर इस तरह से बनाना है। ये देखें इसे हम खींच के ऐसे थोड़ा सा लंबा करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे, और ये हमने बना दिया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ अगली चेन में डालेंगे। यहाँ से हमने फंदे को निकाला, ऐसे खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे, और लंबा करने के बाद हमने यहाँ पे बना दिया। फिर यहाँ पे देखिए एक चेन बनानी है, और नेक्स्ट चेन में इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ एक चेन बनानी है, और अगली चेन में हम फिर अपना यही सेम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से डाल के हमें डबल क्रोशिया से निकालना है। यहाँ से इसे ऐसे खींच के लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद ये हमने यहाँ से ऐसे बुन दिया। फिर हम सेम चीज़ करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे खींचा, निकाल लिया। ये हो गया हमारा। ऐसे हमें यहाँ पे पूरी अपनी रो पे करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ तक इसे बनाया है। अब फिर हमें सेम चीज़ करनी है। यहाँ से देखिए इसमें डाला हमने, इसे ऐसे खींच के थोड़ा सा लंबा किया और यहाँ पे इसे हमने बुन दिया। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, ये हमने यहाँ से इसे निकाला, ऐसे खींच के लंबा किया, फिर हमने यहाँ पे इसे बुन दिया। फिर यहाँ एक चेन बनाई और अगली चेन में हम इस तरह से इसे बुनेंगे। ये देखें ये हमारा इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपने वर्क को टर्न करना है और देखें ये वाला हमने अपनी चेन में बुना है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन इस तरह से बनाई और जो हमने अपनी यहाँ चेन में डाल के बुना है, यहाँ से आपको ऊपर ऊपर दिखेगा वो, तो इसमें हमें इस तरह से ऐसे डाल के बुनना है। ये देखिए ये हमने जो यहाँ पे चेन बनाई है ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाता है। इस तरह से हमारा यहाँ पे टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये इस तरह से करेंगे और यहाँ पे जो हमने अपना 2 डबल क्रोशिया में डाल के बुना हुआ है उसमें देखें इस तरह से डालना है। डालने के बाद यहाँ से हमने ऐसे फंदे को निकाला, निकालने के बाद ऐसे थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद ये हमने इसे इस तरह से बुन दिया। ये देखें फिर हमें ऐसे करना है और ये हमने अपने सेकंड वाले में डाला, यहाँ से ऐसे खींच के इसे लंबा करेंगे और फिर हमने इसे ऐसे बुन दिया। ये हो गया। अब देखिए ये हमारा जो हमने जो हमने अपनी चेन में यहाँ पे डाल के बुना है वो वाला है। तो हमें इसमें फिर से 2 बार बनाना है। तो यहाँ एक चेन बना लेते हैं और इसमें ये देखें ये 1 की जगह अब हमारा 2 हो जाएगा, ये 1 और यहीं इसी में हमने एक और बनाया डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाई और फिर यहाँ हम अपने फ्रंट पोस्ट में डाल के ये देखें ये इस तरह से बना लेंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे निकाला, इसे थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद हमने इसे इस तरह से बुन दिया। फिर हमने यहाँ पे इसमें सेकंड वाले में डाला, ये देखें ये हमें अपने सेकंड वाले में डालना है। यहाँ से हमने निकाला, निकालने के बाद थोड़ा सा खींचेंगे और खींचने के बाद हम इसे इस तरह से बुन देंगे। फिर यहाँ पे हमने एक चेन बनाई, अब जो हमने चेन में डाल के बुना था वो वाला आ गया है। तो इसमें हमें देखें ये 1 और इसी में 1 और डबल क्रोशिया बुन देनी है। फिर यहाँ एक चेन बन गई, ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे हमारा जो हमने यहाँ अपने डबल क्रोशिया में डाल के बुना था उसके ऊपर सेम वैसे ही बुनते आएगा। ऐसे करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। चले करती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, ये हमने सेकंड रो बुन दिया। अब थर्ड रो किस तरह से बुनेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमें अपनी 1 2 और 3 ये हमने 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमने देखिए यहाँ पे ये अपना जो डबल क्रोशिया में डाल के बुना है वो वाला है पहले। तो पहले हमें इसे ऐसे बुन देना है। ये देखिए हमने अपने डबल क्रोशिया में यहाँ पे डाला, ये फंदे को निकाला, इसे खींचेंगे थोड़ा सा, खींचने के बाद यहाँ पे हमने इसे बुन दिया। फिर हमने अपने अगले वाले में डाला, ये देखिए ये इस तरह से निकाला, यहाँ खींचेंगे और हमने बुन दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चेन हमने बना ली। अब ये जो हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाई है इसके यहाँ सेंटर से हमें डाल के इसमें 4 बार बना लेना है। ये देखें ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ हमने 4 बार बना लिया। अब फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और ये हमारी फ्रंट पोल्स है। तो इसमें देखें इस तरह से डालेंगे और ये हमने इसे लंबा किया, लंबा करने के बाद इसे हमने बना लिया। जो हमने अपने डबल क्रोशिया में डाल के बुना है उसे हम सेम तरीके से ही बुनेंगे, चाहे आप आगे से बुने चाहे पीछे से। देखें फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और जो हमारी यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है इसमें हम 4 बार बना लेंगे। देखें 1 2 3 और ये 4, ये हमने यहाँ पे 4 बार बना लिया। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, ये देखें, और इसमें फिर हम सेम तरीके से डाल के इसे बुन लेंगे। यहाँ से हमने बुना, फिर अगले वाले में भी डाल के हमने इसे खींच के लंबा किया और बुन दिया। ये देखें अब सेम तरीके से हमें ये पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। चले कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी में बना लिया है 4 4 बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन बना के ये 3 चेन बना के हमें क्या करना है, फिर से ये जो हमारा 4 वाला है इसके बीच में हम इस तरह से देखें 4 बार बुनेंगे। सेंटर से डाल के ये हमें 4 बार ही बुनना है। 2 बार हो गया, ये 3 बार हो, ये तीसरा हमारा, ये देखें 3 बार हो गया और ये हमारा 4 बार हो गया। ये हमने यहाँ पे 4 बार बुना। 4 बार बुनने के बाद यहाँ एक चेन बनाएंगे और ये देखें ये जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया में डाल के बुन रहे थे हम, उसमें हमें सेम तरीके से फिर से बुन लेना है। ये हम फ्रंट पोस्ट में डाल के इसे इस तरह से बुनेंगे। यहाँ से हमने फंदे को निकाला, थोड़ा सा खींच के लंबा किया और हमने यहाँ पे बुन दिया। ये देखें फिर अगले फंदे में डालेंगे, यहाँ से हमने इसे निकाला, खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे और हमने इसे बुन दिया। फिर हमने एक चेन बना ली। अभी देखिए यहाँ पे हमारी ये चार जो है डबल क्रोशिया इनके बीच से डालेंगे और इसमें फिर हम चार बार बना लेंगे। ये एक, दो, तीन और ये चार, हमने इसमें चार बार बना लिया। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और देखिए ये हमारी फ्रंट पोस्ट है, इसमें डालेंगे जो हम डबल क्रोशिया में अपने डाल के बुन रहे थे, इसमें से हमने इस तरह से निकाला। निकालने के बाद हमने ये बुन दिया, ये देखें ये इस तरह से। ऐसे करके हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने अपनी ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पे अपनी अगली रो भी बना लेंगे। ये देखें किस तरह से, ये एक, दो और ये तीन, हमने यहाँ तीन चेन बनाई, इसमें हमने डाला और डालने के बाद इसे इस तरह से खींचेंगे। अपने डबल क्रोशिया में डाल के हमने इसे बुनना है। ये देखें यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया, फिर यहाँ नेक्स्ट में डालेंगे, ये हमने निकाला और यहाँ से इसे थोड़ा सा लंबा करके बुन दिया। अब देखिए ये जो हमारी चार चेन है, फिर हमें इसके बीच में डाल के चार बार ही बनाना है। ये देखें ये एक, ये दो, ये तीन और ये, यहाँ पे मैं एक चेन बनाना भूल गई, हमें यहाँ एक चेन बनानी होगी। हम स्किप नहीं कर सकते हैं अपनी चेन, हमें चेन बनानी होगी। ये देखें यहाँ पे पहले एक चेन बना लेते हैं। अब इस चार में डाल के हम बुनेंगे चार बार। ये एक बार हुआ, ये दो बार हुआ, ये तीन बार हुआ और ये चार बार हो गया। ये देखें यहाँ से हमने फिर एक चेन बना ली और ये हमारा फ्रंट पोज आ गया। इसमें हमने डाल के इसे इस तरह से बुन लेना है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। हमने फिर एक चेन बना ली और फिर यहाँ चार में डाल के हम सेम तरीके से बुनेंगे। इस तरह से हमें अपना ये वाला रो भी कंप्लीट करना है। चलिए कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट रो आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक जैसे अपनी एक, दो, तीन रो बनाई है। अब सेम इसी तरह से अपनी चौथी रो भी बनाएंगे। एक जैसे हमारी चार रो रहेगी, इसके बीच में हमें चार बार ही अपना डबल क्रोशिया बनाना है, सेम तरीके से बनाना है। चलिए मैं एक रो और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगली रो हमारी चेंज रहेगी, तो मैं आपको वो वाली रो बताऊंगी कि किस तरह से बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी चार ये रो में एक जैसा बनाया है। अब अगली चार रो हमारी एक तरह की रहेगी, तो मैं आपको यहाँ एक रो बना के दिखाती हूँ। सेम तरह से आप कर लें, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, बस चेंज हमारा होगा। ये देखिए क्या, ये तो हमें फ्रंट पोज में डाल के इसे बनाना ही है। ये देखें ये हमारा एंड तक ऐसे ही बनता चला जाएगा, इसे हमें यहाँ पे बनाना ही है। फिर यहाँ एक चेन हमें बनानी है, बस चेंज हमारा यहाँ पे होगा। जो हमने यहाँ पे अब चार बनाई है, तो चार की जगह पे ये हमारा छः हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये एक, ये हमारा दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः। हमने यहाँ पे अब छः चेन में बना दिया। यहाँ से एक चेन बना ली और फिर इसमें फ्रंट पोस्ट में डाल के हम अपनी फ्रंट पोस्ट बुन देंगे। ये देखेंगे इस तरह से, एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस। सिर्फ यहाँ पे हमारा देखें दो चेन इधर छोड़ दें, दो इधर और सेंटर से डाल के ये देखें इसके बीच में हमें छः डबल क्रोशिया बना देनी है। ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई और ये हमारी चौथी हो गई, ये पाँचवीं हो गई और ये लास्ट छठी हो गई। ये देखें फिर हमें यहाँ पे एक चेन बनानी है और इसमें हम अपने फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये इस तरह से हमने डाला और बुन दिया। फिर देखें यहाँ पे अगले में हमने इस तरह से डाला और बुन दिया। ये हमारा ऐसे करके हम अपनी ये रो और इसके बाद तीन रो और सेम तरीके से ही बुनेंगे। टोटल चार रो बुननी है और चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना लंबा बना दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे हमारा घेरा आ गया है। अब यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया। हमने देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे ये चार वाला एक बनाया था, फिर चार का दो, फिर चार का तीन, फिर चार का चार, हमने चार का चार बना दिया था। उसके बाद हमने सभी में छः छः का ही बनाया है। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, यहाँ पे 10 रो हमने छः छः की बना ली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए था। अगर आपको यहाँ पे और फ्रील चाहिए तो जैसे हमने चार चार का बनाया है, तो चार में आप चार चार का बना लें, फिर चार में आप छः छः का बना लें और चार में आप आठ आठ का बना लें, फिर चार में आप 10 10 का बना लें। तो इस तरह से ये ऐसे पूरा फैल जाएगा, बट मुझे ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए था, इसमें इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब हम यहाँ पे अपना ये पिंक कलर लगाएंगे और इसे हम थोड़ी सी बॉर्डर बनाएंगे, तो यहीं किनारे से लगा लेते हैं। ये देखें ये आप यहाँ से इस तरह से लगाएं और ये चेन बनानी है हमें। जहाँ से हमने ऊन को कट किया वहीं से हमने इसे लगा लिया। देखें एक, दो, तीन, हमने यहाँ पे तीन चेन बनाई, इस तरह से करेंगे और ये अपने फ्रंट पोज में डालेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से डाला और इसे ऐसे हमने खींच लिया। खींचने के बाद यहाँ पे हम इसे बुनेंगे जैसे हम अपना बुन रहे थे। ये देखें, यहाँ पे हमने इसे इस तरह से बुन दिया, फिर हमने इस तरह से किया इसे, और यहाँ पे हम डालेंगे। ये हमने फंदे को निकाला, थोड़ा सा लंबा किया, लंबा करने के बाद हमने इसे बुन दिया। बुनने के बाद हमने एक चेन बनाई। अब देखिए हमारा यहाँ पे 6 का है, तो 6 के बीच में अब मैं बॉर्डर के लिए यहाँ पे 8 का बनाऊंगी। यहाँ पे आप जितने का भी बनाए हुए हैं उससे आप 2 बढ़ा लें अपना। तो मेरा यहाँ 6 है, तो 6 में अगर मैं 2 बढ़ाऊंगी तो मेरा 8 आ जाएगा। तो देखें एकदम सेंटर में डाल के हम इसमें 8 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बार हमने बनाई, ये देखें, ये हमारी 2 बार हो गई, ये हमारी 3 बार हो गई, ये हमारी 4 बार हो गई। हमें यहाँ टोटल 8 बार बनाना है, 4 हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर हम बचा हुआ 4 यहाँ पे डाल के बुनेंगे। ये देखें, ये हमने 1 बुना डबल क्रोशिया और इसी तरह से हम यहाँ और भी डबल क्रोशिया बुनेंगे 3। ये हमारी 2 हो गई डबल क्रोशिया, ये हमारी 3 हो गई और ये हमारी 4 हो गई। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बुन दी। अब क्या करेंगे, यहाँ एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद ये अपना फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से, फिर सेकंड वाले में डाल के हम इसे बना देंगे, ये इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद यहाँ 3 के बीच में हम डाल के फिर अपना वही 8 डबल क्रोशिया बनाना है, बट 4 के बीच में हमें अपनी 3 चेन भी बनानी है। ये हमने 2 बनाया, ये 3 बनाया और ये 4 बनाया। फिर यहाँ 1 2 3 हमने बनाया और देखें फिर यहीं पर डाल के हमने 4 बना लिया। ये देखिए एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, बहुत आसानी से आप ये ड्रेस बना लेंगे। और अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह का डिज़ाइन लड्डू गोपाल जी के लिए भी बता दूंगी, तो आप मैचिंग की उनके लिए भी बना सकते हैं। हमने एक चेन बनाई और फिर अपने ये डिज़ाइन में डाल के और यहाँ से इसे थोड़ा सा खींच के हम इसे बुन देंगे। ये देखें ये इस तरह से एकदम सिंपल सा और आसान सा तरीका है। ऐसे करके हम यहाँ अपनी पूरी रो पे बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ग्रीन कलर के ऊन से आउटलाइन करेंगे। ग्रीन कलर का टच आने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी हमारी ड्रेस। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर से आउटलाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन लिया हुआ है। ये देखें यहाँ से हम आउटलाइन स्टार्ट करेंगे, एकदम यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे हमने ये ऊन लगाया और ऊन लगाने के बाद इस तरह से चेन बनानी होगी हमें यहाँ पे। ये देखें ये हमने एक चेन बनाई। अब यहाँ पे हमें डाल के सिंगल क्रोशिया बना ली, फिर नेक्स्ट चेन में हमें डाल के सिंगल क्रोशिया बना देनी है और फिर यहाँ अगले में डाल के हमने सिंगल क्रोशिया बना दी। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एक चेन मिलती चली जाएगी और यहाँ हम सभी चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही हमें बनाना है। ये यहाँ से हमने डाला फंदे को इस तरह से। ये देखिए हमने हुक को डाला यहाँ से, ये निकाल के हमने बुन दिया। सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पे ऊपर 3 चेन बनाई थी इसमें भी हमें डाल के इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे देखें 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद फिर हम यहीं पे डाल के अपनी ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखें और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर यहाँ अगली चेन में हमने बनाया, फिर यहाँ अगली चेन में हमने बनाया और यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ बीच में हमें एक बार बनाना है और यहाँ हमें इस तरह से बनाना है। ये देखें फिर यहाँ नेक्स्ट चेन में हमने डाल के बुना। सिंगल क्रोशिया ही हमें बुननी है, ग्रीन कलर से आउटलाइन आएगा तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए अब हम अपने इस वी पे डाल के बुन देंगे। यहाँ पे हमने बुना, अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन बना दी और फिर हम इसी वी में डाल के सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट चेन में हमने डाल के बुन दिया, फिर यहाँ अगली चेन में बुनेंगे और फिर यहाँ अगली चेन में बुनेंगे। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से हमारी आउटलाइन आएगी ऐसे करके। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से पूरे अपने यहाँ से लेके यहाँ तक आउटलाइन कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे आउटलाइन कर दिया, बहुत ही खूबसूरत से हमारा बॉर्डर बन गया है और ऊपर हमने ग्रीन कलर की डोरी बुन के यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये देखें यहाँ से डोरी को ऐसे अपने हुक में फंसा के और ये ऐसे क्रोशिया के बीच में से खींच लिया हमने, ऐसे करके यहाँ से ऐसे खींच के निकाल दिया है। तो ये हमारी डोरी आ गई है और नीचे के लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये मोती ली हुई है, इसे मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर दूंगी। ये देखें ये बीच बीच में एक एक मोती हमें यहाँ पे सिलना है। तो चलिए इसे मैं सिल लूँगी। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि हमें इसके साथ दुपट्टा कैसे बनाना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ऊन ले लिया है अपने पटके के लिए। किस तरह से हम बुनेंगे यहाँ पे ऐसे करके हमें ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ 8 चेन बनाई। अब क्या करेंगे, इस तरह से फंसाएंगे और देखिए 1 2 3 चेन स्किप करने के बाद चौथी चेन में हम इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने बना दिया। फिर यहाँ हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे, हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ये हमने बना दिया। फिर यहाँ हम अगली चेन में डालेंगे, फिर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। और फिर यहाँ हम अगली चेन में डालेंगे। सभी चेन में हमें यहाँ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है। ये देखें, ये इस तरह से हमें बनाना है। ऐसे करके ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 1 2 चेन बनाई हमने, यहाँ फर्स्ट चेन में ही डबल क्रोशिया बना देंगे ये इस तरह से। और फिर यहाँ सभी चेन में एक एक बार बनाना है डबल क्रोशिया। ये इस तरह से ये देखें, ऐसे करके हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। और फिर यहाँ पे अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब जिस तरह से हमने अपनी दूसरी रो बनाई है वैसे ही हमें यहाँ कई सारी रो बनाते चले जाना है। इसे हम लंबा करेंगे, ये देखें ऐसे करके यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे इसे लंबा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये 30 रो बनाई है। अब मैं यहाँ पे देखें किस तरह से बुनना है हमने इसे। यहाँ पे हम इसे चौड़ा करेंगे, अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखें ये 1 2 3 हमने 3 चेन बनाई। 3 चेन के बाद यहाँ हमें देखें 1 2 चेन इधर से मिलेगी और 2 चेन इधर से ये वाली। तो इसी में हमें बनाना है। देखिए पहली वाली चेन हमने ली, यहाँ से इस तरह से बुन देंगे। और फिर यहाँ पे ये दूसरी वाली चेन ली, हमने इस तरह से बुन दिया। उसके बाद यहाँ एक चेन बनाई और ये जो बीच वाली चेन है इसमें हम डाल के बनाएंगे। फिर यहाँ एक चेन बनाई और अब अपने ये डबल क्रोशिया फेस में डाल के हम बुनेंगे। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ पे हमें इसे बनाना है। ये ऐसे करके आएगा डिज़ाइन। अब हम इसे ऐसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखें यहाँ से ये 1 2 3 हमने 3 चेन बनाई। इस तरह से करेंगे और यहाँ ऐसे डाल के हमने इसे निकाल लेना है। ये देखिए हमने निकाल लिया। निकालने के बाद ये हम अपनी फ्रंट पोस्ट पे बना लेंगे ये इस तरह से। और फिर यहाँ सेकंड वाले में डाल के हम बुन देंगे ये इस तरह से। और ये जो हमारा चेन में हमने बनाया था, पहले यहाँ एक चेन बना लेते हैं। अब जो हमने अपनी चेन में डाल के बनाया था इसमें हम 2 बार कर देंगे। ये 1 बार डबल क्रोशिया और ये हमारा 2 बार। और फिर यहाँ पे हमने एक चेन बनाई और अपनी फ्रंट पोस्ट में हम अपना फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे ये इस तरह से। ये देखें जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही मैं एकदम सिंपल तरीके से कर रही हूँ। ये हमारा हो गया। अब फिर अपने वर्क को यहाँ पे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 1 2 3 हमने 3 चेन बनाई। यहाँ से इसे लेंगे और ये हम बुनेंगे। ये हमने एक बार बुना, फिर अगले को हमने लिया। ये देखिए यहाँ से इसे ऐसे लंबा करेंगे और इसे हम बुनेंगे। ये हमने 2 बार कर लिया। अब यहाँ पे हमारी 2 चेन है तो इन दोनों के बीच में डाल के हमें अब 4 बार बना लेना है। ये देखें ये हमने 2 बार बनाया, ये 3 बार और ये 4 बार। फिर यहाँ एक चेन बनाएंगे और अपनी ये फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर मैं इसे बड़ा कर रही हूँ। ये देखें ये ऐसे करके ये देखिए ये चौड़ा हो रहा है। ऐसे ही हम इसे थोड़ा लंबा करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना के इतना लंबा कर दिया। ये देखिए ये पहले में हमने 4 बनाया है, फिर 4 का बनाया है, फिर 6 का बना लिया, फिर 8 का बना लिया और लास्ट वाला हमने 10 का बना लिया। अब यहाँ पर हमें आउटलाइन कर देनी है। किस तरह से आउटलाइन करेंगे, ये देखें यहाँ से इसे इस तरह से लगाएंगे। ग्रीन कलर के ऊन से हमें आउटलाइन करनी है। और देखिए सेम चीज़ पहले इस साइड भी आप बना लें। मैंने सेम तरीके से इस साइड भी बना दिया है और सेम हमारा इधर भी है, दोनों साइड से हो गया है। अब यहाँ पे अपना ग्रीन कलर वाला ऊन लगाएंगे और इसे हम यहाँ पे इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ सेंटर में डाल के इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ पे डाल के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद देखें ये इस तरह से करके हम फर्स्ट चेन में डाल के हाफ डोर क्रोशिया बनाएंगे। तीनों फंदे को एक साथ उतार दिया, फिर हमने इस तरह से किया। नेक्स्ट चेन में डालेंगे हाफ डोर क्रोशिया। दो चेन में हमने बनाई, ये हमने तीन चेन में बनाई, ये हमने चार चेन में बनाई और ये हमने पांच चेन में बनाई। ये देखें यहाँ पे हमने पांच चेन में बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखें नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से हाफ डोर क्रोशिया बुन देंगे ऐसे करके। फिर यहाँ सभी चेन में हमें एक एक बार हाफ डोर क्रोशिया बुन के नीचे आना है। ये देखें ये ऐसे हाफ डोर क्रोशिया बुनेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीका है गाइस, बहुत आसानी से बन जाएगी ड्रेस और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये देखें, ये ड्रेस आप लक्ष्मी जी को पहना सकते हैं, दुर्गा जी को भी पहना सकते हैं, राधा रानी को पहना सकते हैं। देखें यहाँ से अब हम अपनी सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर यहाँ अगली चेन में भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाई इस तरह से। और यहाँ पे हमें देखें एक दो, दो चेन बनाई और यहाँ इस तरह से मोड़ पे हमने इस तरह से कर दिया, जिसे यहाँ हमारी सिकरना है। अब इसके बाद हम सिंपली इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखें ये ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ से और ये आते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से ये ऐसे राउंड में, फिर यहाँ ले मिला लेंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे आउटलाइन कर लिया। अगर आप यहाँ पे पटके की लंबाई देखेंगे तो इंच टेप से मैं आपको मेजर करके दिखा दूँ। ये देखें ये 18 इंच है। ये इस तरह से आएगा पटका। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा ऊन है इसे आप कट कर लें। और अगर आप लहंगा देखेंगे, ये देखिए लहंगे की यहाँ पे अगर हम लंबाई देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसकी लंबाई है 7.5 इंच। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।